हेलो गाइस, और हम जा रहे हैं छठ पूजा में, और हम आपको ले चल रहे हैं छठ पूजा। चलिए आइए। सुबह सुबह कितना टाइम हो रहा सुबह हो रहा है शायद 4 बजे हम उठे थे और 5:30 हो चुका है। है? नहीं, 5 बजे, 5:30 फाइव नहीं है। बजे हमें हाँ, तो आप बता रहे थे 5:30। नहीं, अच्छा, रड़ने की जरूरत नहीं। 5 बजे है। चूंकि कितना मौसम देखिए, कितना कूल कूल लग रहा है और ठंड भी लग रही है और जाना भी जरूरी है कल शॉप। शाम गई थी। हाँ, कल हम शाम को गए थे वहाँ पे, हाँ, लेकिन जब गए थे लेट हो गया था। वहाँ सब लोग जा चुके थे, तो चला जा। छठ मैया के दर्शन करके चले आए। चलो इतना चलो, और ये देखिए टफी कैमरा ज्यादा सन्नाटा है और हम लोग रोड पे आ गए। रोड। रोड पे नहीं आए, हम लोग चल रहे हैं रोड पे ना। हाँ, ये लोग सब लोग जा रहे हैं। देखिए गाइस, देखिए कितना अच्छा सजा हुआ है, बहुत अच्छी रौनक है पूजा की। गाइस, घर से 10 मिनट की दूरी के बाद जैसे ही मंदिर के अंदर गए, वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। सुबह जल्दी उठने की सारी सुस्ती चंद सेकंड में जैसे छू हो गई। और आप भी देखिए ये नज़ारा, सुबह के 5:10 ही हुए थे। गाइस, हमने देखा कि कुछ लोग पूजा स्टार्ट कर चुके थे और कुंड के चारों ओर एकदम तैयार श्यार लेडीज पूजा के सारे सामान के साथ बैठी थी और दीपक और अगरबत्ती लगा रही थी, और लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। मेरे साथ देखिए आप। गाइस, समय जैसे जैसे हो रहा था, मंदिर पूरी तरह खचाखच भर चुका था और कुंड में भी महिलाएं पहले की अपेक्षा ज्यादा पूजन कर रही थी। और सभी को सूर्य देवता के उदय होने का बेसब्री से इंतजार था। आगे देखिए आप भी मेरे साथ। गाइस, सुबह का 6:10 हो गए थे और चूंकि सूर्योदय होने का जो समय था वो 6:18 था। और आप देख सकते हैं कुंड में बिल्कुल भी जगह नहीं है खड़े होने की। कुछ लोग कुंड के बाहर ही खड़े थे और पूरा मंदिर दियों से जगमगा उठा था। और आप देखिए आगे की हमारे साथ पूजा। जय हो छठ मैया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, सभी महिलाएं अर्घ देने लगी और पूजन बहुत विधि विधान के साथ शुरू हो गया था। मैंने भी पूजा में भाग लिया। जय जय छठ मैया।
गाइस हम आपको बता दें, इस पूजा की सबसे अच्छी चीज़ हमको यही लगती है, इसमें जो सिंदूर लगाया जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, और इसलिए हम हर छठ पूजा अटेंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हम ये इसको एंजॉय कर पाएँ, क्योंकि बहुत अच्छी पूजा है, बहुत विधि विधान के साथ होती है। चलिए ब्लॉग को लास्ट तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। गाइस देखिए, हम पूजा अपनी भाभी के साथ थे, पूजा फिनिश करने के बाद हम लोग साथ में जा रहे हैं, और ये है दीदी और ये है भाभी। और बहुत अच्छा लगा पूजा में। और भाभी 3 दिन से आप व्रत थी ना? हाँ। और बिना पानी के, वो भी निर्जला निर्जला व्रत, और थोड़ा सा थोड़ा नहीं ज्यादा टफ होता है क्योंकि हम लोग बस देखने पहुंच जाते हैं पूजा, क्योंकि इतनी अच्छी विधि विधान से होती है पूजा, और बहुत ही ज्यादा मजा आया हम पूजा में। 2 दिन गए, कल लेट हो गए थे लेकिन आज जल्दी आ गए थे, तो थोड़ा सा साथ में भी रहे भाभी के, बहुत अच्छा लगा। और आगे हाँ, अब हम जा रहे हैं आज झांसी, और झांसी निकलेंगे तो हम आपको बताएंगे। और चलिए, अगर ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बाय बाय भाभी, बस से बाय बाय।